सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव महाना। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। सबको राम राम, सबको सत श्री अकाल। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में और एक और नए व्लॉग में। और आज भाई अपना तबीयत का अपडेट हम आपको देते हैं। तबीयत की ऐसी तैसी हो चुकी है, अभी सुबह उठते जब मैं टूथब्रश कर रहा था तब भाई बिल्कुल ऐसे लगता है ना कि प्यूक, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बस उल्टी आ जाएगी, वॉमिट जैसा इतना लग रहा था। क्योंकि भाई इतनी कफ वगैरह इकट्ठी हो गई है, अब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हालत बुरी हो गई है। शाम को डॉक्टर के पास जाएंगे 6 बजे। अब एक चीज़ नहीं समझ आ रही, जिम जाऊँ या ना जाऊँ आज, क्योंकि जो मैंने अभी 3-4 दिन एक्सरसाइज करी है ना, उसकी मसल की रिकवरी, मेरे मसल की रिकवरी एक दिन में हो जाती है। सबको अपना अपना बॉडी का पता होता है, बट जो सैटरडे को करा था, जो फ्राइडे को करा था ना, उसकी मसल की रिकवरी अभी तक नहीं हुई। 5 दिन हो गए और इतनी दर्दें हो रही है ना शरीर में, इतनी दर्दें क्या बताऊँ। बाकी हम डाइट तो नहीं छोड़ रहे, अंडा आ गया, चाय आ गई है तो ये खाते हैं, दवाई लेके थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर शाम को ही देखेंगे अपना क्या सीन है आज का। स्टीम लेनी है जाई? नाक खुल जाएगा बिल्कुल। कहा स्टीम ले लेते हैं, क्योंकि अभी फंक्शन पे भी जाना है आगे 2-3, तो वहाँ खा पी नहीं पाएंगे ना फिर, तो पहले तबीयत ठीक कर लेते हैं। नहीं, तबीयत तो ठीक जरूरी है। और क्या जाई, अगर इसमें पानी की जगह शराब डाल दे फिर? मैं नहीं बताता और काम को नहीं। चलो गाइस स्टीम लेके करता हूँ। तो गाइस नीचे उतर रहे हैं और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और मेरे को ना बस एक ही दिक्कत लग रही है कि डॉक्टर ना जिम जाने के लिए ना मना कर दे, क्योंकि शरीर देख के ना मुझे सीधा पूछते हैं कि जिम जाते हो, सप्लीमेंट्स लेते हो, तो जिम मत जाना, रेस्ट करना। बट आज तो बाइसेप्स करने हैं, आज तो जाना पड़ेगा जिम, ऐसा तो हो नहीं सकता। और अभी तो फिलहाल मैं ठीक हूँ, जिम जा सकता हूँ, पर पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। तो गाइस डॉक्टर के पास से निकल गए और डॉक्टर ने बोला है रेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना। ये कैसी बात होती है, घर से बाहर निकलो तो अभी तो डॉक्टर के पास आया हूँ। तो चलो अब घर चलते हैं, फिर जिम चलेंगे, दवाई लेंगे रात को, अभी तो मैं ठीक हूँ। बस ऐसे ही आ गया डॉक्टर के पास, भाई साहब पसीना आ रहा है इतना क्या बताऊँ। गाइस 4-4 डोज दे दिए हैं, एक रात को लेंगे, एक कल सुबह लेंगे, फिर कल एक शाम को लेंगे, और फिर कल एक रात को लेंगे, हम हो जाएंगे फिर फिट एंड फाइन बिल्कुल। तो गाइस जिम जाने से पहले परांठा साथ में चाय, और फिर करेंगे बढ़िया सा वर्कआउट। और अभी अभी हमने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली है, तो जो अभी इंस्टाग्राम पे हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है वो फटाफट से इंस्टाग्राम पे आ जाओ, आपको वीडियो में यूज़र नेम मिल रहा होगा, तो फटाफट से आ जाओ। ओके रिपोर्ट। तो गाइस जिम के लिए निकल रहे हैं और प्री वर्कआउट भी बना लिया है, और मैं कंफ्यूज हो रहा था कि प्री वर्कआउट पीऊं या ना पीऊं, लेफ्ट ले लेफ्ट 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 कंफ्यूज हो रहा था प्री वर्कआउट पीऊं या ना पीऊं, तो एक दिन पी के देख लेता हूं, ज़्यादा ख़राब होगी तबीयत तो कल नहीं पीऊंगा। जाना कहाँ पीऊँ? अभी ट्विटी के लिए चिकन लेने। गाइस अभी जा रहे हैं ट्विटी के लिए चिकन लेने। और एक बात बताओ, डॉक्टर ने बोला घर पर रेस्ट करना है, जिम नहीं जाना, और हम जा रहे हैं जिम। डॉक्टर को ये नहीं पता ना जिम नहीं जाएंगे तो डिप्रेशन भी हो जाएगा। डॉक्टर को कौन बताया? वही तो, डॉक्टर को क्या पता। शादी में आया हूँ भाई, इसने ना अपने अभी आते थे ना हमारे पास, इतनी अच्छी बॉडी बना रही थी, बहुत सुन अभी ने चीज कमिट करी है कि तेरे से पहले गोलू भाई बॉडी बना लेंगे, अगर नहीं कराया तो जो तू बोलेगा वो मैं करूंगा। अब मैं क्या बोलूंगा तू भी समझ गया, बोलू तू भी समझ गया। छिलौ अंडा लग रहा है वीडियो में, दिखाइयो दिखाइयो दिखा तो सही। 9 बजे चलते हो मेरे चिकने पल से लेकर आऊंगा। तेरे को पीटी मिली है 2-2? एक वो तेरी टीम में है वो। कौन मेरी टीम में है ये? अबे फिर तो दिक्कत ही नहीं है ना कोई, ये भाई मीठे बंदों की टीम में वैसे भी कोई नहीं रहना चाहता। अबे बोल कौन रहा है? अबे तुम एक्सेस कर रहे हो ओरिजिनल असली असली। सुन आ चले, अब बंदों के मैंने घर उजड़ते देखे थे, खेती उजड़ती देखी थी, इसका तो पूरा ही उजड़ा हुआ इधर देखे डाली, मैं तो कटवा के आया हूं। ये तो देख इधर एक बार देख तो ला वो, अबे ये ले इधर देख, ओए बोल लग रहा राजा गार्डन में जो रात को खड़ी होती है। कर दे कौन ताली, तुम एक बार ताली, तुम्हारे एक बार एक बार एक बार एक बार
गाइस जिम से निकल गया और मुकुंद ने पहले ही ऑर्डर दे दिया चाप रोल का, बट हम नहीं खाएंगे क्योंकि रेस्ट करना है यार, दो तीन दिन कंजेशन हो रखी है बहुत ज्यादा। डॉक्टर ने वैसे ही आज बोला है कि मैदा वगैरह मत खाओ, उसको क्या पता मोमोज चल रहे हैं रोज। डॉक्टर के पास गया पूछा आपकी डाइट क्या है, मेरा चिकन खाता हूँ अंडे खाता हूँ। नहीं यार भाई मजाक करके, अब बाहर का नहीं खाना, ज्यादा नहीं खाऊंगा, तीन रोल खाऊंगा बस, ज्यादा नहीं खाऊंगा। गाइस मजाक कर रहा हूँ, बहुत सीरियस हो गया मैदा, बहुत ज्यादा छाती में ना जम गया है मैदा, ये तो अभी बहुत हालत बुरी हो गई है। कैमरे जब तक कैमरा चल रहा है ना तब तक हम क्लीन खाने वाले हैं। भाई हालत नहीं देख रहा तू मेरी, कैमरा बंद होते ही फुल चाप। सही कह रहा है बिल्कुल। आ मोमोज मतलब मैं खिलाऊंगा तेरे को आज, तू नहीं खाएगा मतलब? नहीं तेरे को मैं बोलूंगा ना मेरी तरफ से पार्टी है, नहीं खाएगा तब भी नहीं खाऊंगा। कैमरा तो बंद हो गया पक्का, मेरी तरफ से पार्टी है, हो गया पक्का पक्का, नहीं कोई पार्टी नहीं है। अफगानी मोमोज खाएंगे बढ़िया पनीर वाले। अभी ये मुकर जाएगा, कैमरा बंद करूंगा ना बोलूंगा खिला, मुकर जाएगा। नहीं खिला दूंगा तो खाएगा तो बता। चलो ठीक है ठीक है, खाएगा ना। सही कह रहा है। वैसे जिम से आ गए हैं और अब खा रहे हैं अंडे। अरे एक बात बताओ, जब मैं ट्विटी का चिकन लेने गया था वहां पे, अब चिकन की दुकान पे उन्होंने फोटोएं भी लगा रखी होती है भगवानों की, उनका तो वही धंधा है, तो वो अच्छे कर्म कर रहे हैं बुरे? अच्छे ही कर रहे हैं, अपना काम है जो उसको करने में, उसमें बुरे कर्म कहाँ से आ गए? नहीं जैसे वो मुर्गी को मार रहे हैं और वही मंदिर भी बना रखा है, तो उनका फिर बिजनेस है ये, अब उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब सही है आपके कहने? हाँ चलो, मेहनत करने में क्या बुराई या कोई अच्छाई या कुछ धर्म अधर्म कुछ नहीं होता, उनका काम है ये, वो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से। मुकुंद कह रहा था कि ये जो कर रहे हैं उनका, इसका मतलब फल उनको अगले उसमें मिलेगा जन्म में, या अगर ये गंदे कर्म कर रहे हैं तो अभी फल नहीं मिलेगा। नहीं नहीं ऐसा मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं होता। मैं यही सोच रहा था, कहीं भी चिकन की दुकान पे जाओ ना, हाँ फोटो तो लगाई होती है उन्होंने, हाँ फोटो सारे भगवानों की लगी होती है, पूरा मंदिर होता है उनका, तो वही काम है उस जिससे वो उनको मिल रहा है सब कुछ। पापा एक बात बताओ, आज मैं चिकन लेने गया था ट्विटी का, तो चिकन वाले की दुकान पे सारे भगवानों की फोटो लगी हुई थी और मंदिर भी था, तो सही बात है ये? देखो उसका काम है तो अपने काम के प्रति वो जो कर रहा है वो तो ठीक है, तो उसके कर्म सही है। अब कर्म देखो, ज्यादा कह रहे हैं चिकन नहीं खाना चाहिए, वो तो मार रहा है कि बेच भी रहा है, ये तो अपने सब मन की भावना, पूजा भी कर रहा है, मन की भावना होती है ये तो सब, अब वो काम है उसका वो तो करेगा ही। मतलब जैसे कहते हैं कि कैसे समझाऊं कि मतलब भगवान को मानो, चिकन विकन छोड़ दो, सक्सेस चाहिए या कोई भी काम में आगे बढ़ना है तो मतलब भगवान को मानो, फिर बंदा कहता है भगवान को मान रहे हो तो चिकन छोड़ दो, समझ गए मेरा पॉइंट? समझ गया। बट वो तो चिकन बेच रहा है, मार भी रहा है और फिर भी पैसा कमा रहा है, फिर भी अमीर है। ये तो सब अपने मन की भावना होती है, सबके मन के वहम होते हैं, मन की भावना होती है ये, इसके बारे में मतलब उसको पैसा दे रहा है भगवान, दे ही रहा है भगवान, क्यों नहीं दे रहा? तो फिर ये क्यों बोलते हैं कि चिकन विकन छोड़ो भगवान को मानो? अरे बोलते भी तो इंसान ही है ना, सबकी इस मामले में भी सबकी अपनी भावना है। सब यही सोच रहा था मन के, मन के बातें हैं बस अपनी। अब एक बात बताओ, आज चिकन की दुकान पे गया था तो वो चिकन वाले ने अपनी दुकान पे भगवानों की फोटो लगा रखी थी, तो सही बात है? अब लगा ही रखे, अब अपना अपना धर्म है सबका। नहीं मतलब जैसे कहते हैं कि भगवान को मानो तो चिकन विकन छोड़ देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए या जो भी, अपना मन है। सही बात है, अपना अपना मन नहीं सकता यार, सारे एक ही पॉइंट बोल रहे हैं तो मतलब फिर यही होगा। हाँ मतलब अपने दिल से, साफ दिल से मानो, अपने मन दिखा ले, अपने कर्म सही रखो। चलो जी वैलिड है, तीन बंदों के पॉइंट मिल गए, तो आपका क्या कहना है इस बात पे कमेंट में बताओ, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रखा हूँ इस बात को लेके। नहीं कोई नहीं, अपना अपना जो कर रहा कर्म करन दियो। सही बात है, और की चलो सबने अपना अपना कर्म। तो क्या चल रहा है महाभारत में? बड़ा कुछ चल रहा है, कपूर टच लग गया, और क्या क्या बोल कप टच
क्या बोल रहे हो? एक दूसरे को क्या मार रहे हैं? हाँ और क्या, चलो बढ़िया। तो भाई अभी एक बार आ जाए, अपना खाना वगैरह खाते हैं। सब अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म की चिंता ना कर। नहीं वो क्या बात, कौन सी लाइन होती है, फल की चिंता ना कर, बस तू अपना कर्म कर, कर्म कर फल की चिंता ना कर। हाँ करेक्ट, बिल्कुल, पॉइंट टू बी नोटेड। मेहनत की ये रातें रहेंगी अभी जारी, जो लोग देते साथ उन सबका मैं आभारी।